तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम सेटिस्फाई हो यहाँ से? बहुत सेटिस्फाई। जब हम सीखे तो बहुत कुछ, हम बहुत जगह ठके भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे ठगा भी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला, और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत कुछ मिला। कि अपने सेक्शन हुआ भी नहीं है, सेक्शन का हुआ है क्या अपना? फिर भी स्पीकर में अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा हो, वहाँ तो कर देंगे सर अच्छी तरीके। हाँ सर, बी टू बी केबल टूटा हो, आईसीयू के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे? ये तो नहीं, आपको प्रैक्टिकल किया है यहाँ? मोबाइल में कुछ लाके डिफरेंट करना चाहता था, जो एडवांस लेवल का हो, वो नहीं, वो तो आईसी लगाने वाले वो बैठे हैं, वो नहीं, कुछ डिफरेंट जो फॉल्ट फाइंडिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस ना जाए शॉप से, ऐसी फाइंड ऐसा सिग्नल करते, वो कौन सा आता था वो एशिया टेलीकॉम। तो यहाँ पर आपको मिला, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है और अभी नंबर वन बनने वाले स्टूडेंट कौन है? थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों मेरे साथ में एक स्टूडेंट, कहाँ से आए हो? राजस्थान। राजस्थान से, क्या नाम है? जाहिद। जाहिद, आप ये बताइए, क्वालकॉम का क्लास अपने अटेंड किया हुआ है? अब तक सॉफ्टवेयर में कितने दिन हुए हैं? सॉफ्टवेयर में सर चार पांच दिन। चार पांच दिन हुए हैं, और आपने किस किस की फ्लैशिंग आप कर लेंगे आप यहाँ पर? सर एमआई, क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम और सोनी, आईफोन और एलजी। और एक आज आपने किस किस की फ्लैशिंग की है? आज इन फोकस और माइक्रोमैक्स में सीएमडी, मतलब फास्ट मूव मोड पे। चलिए ठीक है, ड्राइवर यहाँ पे समझ में आ रहे हैं? आपको फ्लैशिंग समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पे मैं आपसे क्वालकॉम की बात करूंगा। ये बताओ कि अगर मेरे पास किसी क्वालकॉम का सीपीयू, तो मुझे वो कैसे पता करूंगा कि क्वालकॉम का सीपीयू लगा है? सर सबसे पहले तो हम गूगल पे टाइप करेंगे, मतलब आपने वो देखिए, आपको पता है कितने तरीके हैं सीपीयू पता करने? तीन तरीके जिसमें इंटरनेट का, विदाउट इंटरनेट, ये तीन तरीके से हम सीपीयू कोई सभी मोबाइल का पता कर सकते हैं। दूसरा बात, अब ये बताओ कि अगर मेरे पास में क्वालकॉम का है सेट, तो उसमें कितने मोड होते हैं? सर उसमें फास्ट बूट, एडीबी मोड, और एक होता है उसमें डायग्नोस्टिक मोड, और एक होता है फास्ट बूट मोड, एक एडीबी मोड, जो कि एंड्रॉइड का मोड हो गया। दूसरा उसमें डायग्नोस्टिक मोड होता है। तीसरा क्यूसी वायर रीड करने के लिए होता है, क्यूसीएन का के लिए होता है। क्यूसीएन फाइल कब रीड करते हैं हम? जब सर बेस बैंड उड़ जाता है। और अगर आईएमई हमें राइट करना, तो कौन से मोड पे करना पड़ता है? डायग्नोस्टिक मोड। डायग्नोस्टिक मोड पे। अगर ये बताइए डायग्नोस्टिक मोड कैसे ऑन करते हैं, आपको पता है? पूछूंगा। चलिए अब ये बताइए कि अगर उसके बाद चौथा मोड कौन सा होता है, फ्लैशिंग मोड कौन सा होता है? चौथा मोड फ्लैशिंग मोड को कौन सा मोड बोलते हैं? एडीबी या कौन सा? ईडीएल। ईडीएल मोड सर, जो कभी कभी ईडीएल केबल से भी आता है, कभी कभी उसके टेस्ट पॉइंट भी होते हैं। टेस्ट पॉइंट भी होते हैं। तो ईडीएल मोड लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ सकता है, सबसे पहले बताओ? सबसे पहले सर हमें वॉल्यूम की अप एंड डाउन दबाने पड़ेंगे, उससे भी नहीं आया तो ईडीएल केबल से, अगर उससे भी नहीं आया तो उसके टेस्ट पॉइंट से करने पड़ते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने क्वालकॉम का फ्लैश फाइल डाउनलोड किया, तो उसके साथ मुझे कौन सी फाइल मिलनी चाहिए? सर उसके साथ में एमबीएन फाइल मिल सकती है। एमबीएन फाइल के साथ में, अगर वो एमबीएन फाइल सिंगल आएगी, उसके साथ कोई और भी फाइल आनी चाहिए? सर उसके साथ तीन फाइल आएंगी। कौन कौन सी, मतलब एमबीएन को मिलाकर कौन कौन सी? एक तो सर रॉ पैच और एमबीएन फाइल। सो अगर, अच्छा ये बताइए कि अगर मेरे पास क्वालकॉम में एमबीएन रॉ प्रोग्राम पैच फाइल ये नहीं मिल रही है, सो कौन सी फाइल आ सकती है इसके अलावा? उसमें एमबीएन जीरो फाइल आएगी, एनबी जीरो। और इसके साथ जो टूल यूज करते हैं वो आपको पता है कैसे प्लस करते हैं? एसयूटी टूल। अच्छा ये बताइए, अगर एनबी जीरो भी नहीं आ रही, तो कौन सी फाइल आएगी? पासवर्ड वाली फाइल आएगी। पासवर्ड वाली फाइल आएगी, तो हम वो टूल भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्वालकॉम में कौन सा टूल यूज करना चाहिए क्वालकॉम के लिए फ्लैशिंग के टाइम पे? सर क्यूफिल। क्यूफिल, क्वालकॉम फ्लैश इमेज लोडर। और ये बताइए क्यूफिल हमें कब यूज नहीं करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है डोंगल, ये बताइए? यूएमडी। मिरिकल करना चाहिए क्या यूज? मिरिकल में सर ईएमआई नल हो जाता है, आईएमईआई नल हो जाता है, आईएमईआई नल हो सकता है। पर अगर क्यूफिल में मैं कर रहा हूँ और कोई क्वालकॉम का सेट है, सो आईएमई नल हो सकता है? हम क्यूएनसी फाइल है ना, तो हम कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा। तो फिर आईएमई फिर बनाने के लिए हमको फिर कौन सा मोड पे जाना पड़ेगा? डायग्नोस्टिक मोड पे जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको पढ़ के कैसा लगा? बढ़िया लगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है? सर, आपने हार्डवेयर भी किया, सॉफ्टवेयर भी? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों। तो यहाँ पर आप सेटिस्फाई हैं? यहाँ पर सर सेटिस्फाई। क्या बोलना चाहेंगे आप यहाँ पर सब्सक्राइबर को? आओ यहाँ और
अच्छी तरीके से सीखो। यहाँ पर प्रैक्टिकल यहाँ पर देखने को मिला है कि नहीं मिला? प्रैक्टिकल भी देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से सीपीयू की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल या लिखिए एसर टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, यह आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे। अलग लेवल में बैठे रहते हैं कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली इसको, अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो करके बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए वो टेक्नीशियन लोग, तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी नेक्स्ट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया। और मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने 7 महीने नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोल रहे सभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोलेंगे मेरा दिल उड़ रहा है, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, चलिए
यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ, कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, हाँ। तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर, हाँ। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने, अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Announcing 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. And ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.